ऑब्जेक्टिव शीट नंबर टू की ट्राई करने के लिए दी थी, इसका क्वेश्चन नंबर वन कितने लोगों को डाउट है, वैसे मैं इसको डिस्कस भी करना चाहता हूँ। देखो क्वेश्चन है कि सपोज आपके पास दो चार्जेस हैं, कैपिटल क्यू एंड कैपिटल क्यू, ठीक, और ये दो चार्जेस फिक्स्ड हैं। तो उसने बोला टू पॉजिटिव चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 कूलम, 10 कूलम का चार्ज है एंड सेपरेटेड बाय 2d, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है 2d। तो आपको 2d में d की वैल्यू भी गिवन है और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जिसका मास आपको गिवन है माइनस क्यू, वो रिवॉल्व कर रहा है इन अ रेडियस ऑफ 4 मीटर, तो ये रेडियस कितना है 4 मीटर, तो d भी गिवन है r भी गिवन है। नेग्लेक्ट अफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, आपको क्या निकालना है, आपको ओमेगा निकालना है, ठीक। अब क्योंकि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल किस में घूम रहा है, इन अ सर्कल, सर्कल में घूमने के लिए कौन सी फोर्स चाहिए, सेंट्रिपेटल, सेंट्रिपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, हमें एक ही फोर्स आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक, कैसे, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अपनी तरफ क्या करेगा अट्रैक्ट, और ऐसे ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को भी क्या करेगा अट्रैक्ट। तो आपका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को क्या करेगा अट्रैक्ट, और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को क्या करेगा अट्रैक्ट। तो अगर ये मैं ज्वाइन कर लूँगा पूरा ट्रायंगल सच दैट अगर ये थीटा तो ये भी थीटा और अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, तो एफ एफ के दो कॉम्पोनेंट्स हैं, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा, इस एफ के भी दो कॉम्पोनेंट्स हो जाएंगे एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा, राइट। तो अब इस केस में एफ कॉस थीटा कॉम्पोनेंट विल कैंसल, एफ कॉस थीटा दोनों कैंसल हो गए, 2f sin theta कहाँ करेगा सर्कल के सेंटर पे, और क्या प्रोवाइड करेगा सेंट्रिपेटल। तो सेंट्रिपेटल के दो फॉर्मूलाज हैं, या तो mv square by r या mr ओमेगा square, क्योंकि हमें ओमेगा निकालना है तो हम क्या पुट करेंगे mr ओमेगा square। तो 2f sin theta acting towards center is equal to mr omega square, फोर्स की वैल्यू इन दोनों की क्या होगी 1/4πε0 q इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस क्यू इज क्यू डिवाइडेड बाई दिस डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस कितना है, अगर ये स्मॉल डी ये आर, तो ये क्या बनेगा अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आप चेक करो ये रहा, तो 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और साथ में क्या है साइन थीटा, इस राइट एंगल ट्राइंगल में साइन थीटा क्या बनेगा परपेंडिकुलर आर, और ये हाइपोटन्यूज कितना अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये रहा। तो यहाँ से सॉल्व करके आपको क्वेश्चन में क्यू पता है, कैपिटल क्यू पता है, डी पता है, आर पता है, सॉल्व करके कैलकुलेशन बढ़ी है, कैलकुलेशन को छोड़ो सॉल्व करके आंसर ओमेगा आ जाएगा, बट मेथड समझ में आया कि कौन प्रोवाइड करेगा सेंट्रिपिटल, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है यहाँ तक। तो कैसे सोचना समझ में आ रहा है, तो गूगल ड्राइव शेयर हो गई सबके साथ, कोई ऐसा जिसकी गूगल ड्राइव ना मिली हो जिसे, ठीक है, तो ये सोल्यूशन सारे वहाँ अपलोडेड है, तो नहीं हुई तो मुझे अपना ईमेल आईडी सेंड करना, मैं इसमें गूगल ड्राइव शेयर करूँगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है, कितने लोगों को डाउट है इसमें, कितने का हो गया था, यह डायरेक्शन बतानी हो जाएगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट हो गया, 4th, ठीक, 4th क्लियर है अर्जुन, ओके, 5th क्वेश्चन नंबर 5th देखो, 4th बता दो, 4th ओके, तो 4th क्वेश्चन है, तीन चार्जेस हैं आपके पास, एक क्यू, एक माइनस क्यू और एक क्यू, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के उसमें पड़े हुए हैं, तो आपको ये बताना है कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज ऑन वर्टेक्स ए, इसके ऊपर फोर्स बताओ क्या होगी डायरेक्शन नॉर्मल टू बीसी, तो ये बीसी है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स बतानी है क्या होगी, यानी कि आपको फोर्स वाई एक्सिस में बतानी है, एक्स में नहीं पता। तो मुझे पता है कैपिटल क्यू को क्या करेगा रिपेल, माइनस क्यू कैपिटल क्यू को क्या करेगा अट्रैक्ट। तो अगर ये थीटा थीटा बायसिमेट्री, फिर एक लाइन खींची थीटा थीटा अल्टरनेट, थीटा थीटा कॉरस्पॉन्डिंग, तो एफ का एक कॉम्पोनेंट बनेगा एफ कॉस थीटा और एक एफ साइन थीटा, इस एफ का कॉम्पोनेंट बनेगा एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा। तो वाई एक्सिस के अलोंग
एफ साइन थीटा को क्या कर रहा है, कैंसल, तो नेट फोर्स वाई एक्सिस में क्या आएगी, जीरो, और उसने फोर्स पूछी भी वाई एक्सिस में, आंसर इज जीरो। ठीक है यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट, इस टाइप की प्रॉब्लम में जिसमें पेंडुलम जैसे ये दो बॉब्स गिवन होते हैं, कितनों का हो गया वैसे, वैसे ये हो गया, टू स्मॉल स्फेरिकल बॉल्स कैरिंग अ चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम, 10 और 10 माइक्रोकूलम है, आर सस्पेंडेड बाय इंसुलेटिंग थ्रेड्स ऑफ लेंथ 1 मीटर 1 मीटर, एक एक मीटर का थ्रेड है। इट इज फाउंड दैट इन इक्विलिब्रियम थ्रेड्स आर सेपरेटेड बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री पे सेपरेशन है। ठीक है यहां तक? वॉट इज द टेंशन इन द थ्रेड, तो आपको बताना है कि स्ट्रिंग जो है वो टाइट है, इसमें टेंशन क्या होगी। हमने जितने क्वेश्चन लॉज ऑफ मोशन के किए प्लस वन के अंदर, उसके यही तो किया था कि स्ट्रिंग में टेंशन टी है और ये 60 डिग्री है, तो आधा आधा 30-30 हो जाएगा। तो अगर ये 30 तो ये भी 30 होगा, टेंशन के कॉम्पोनेंट्स होंगे। जब भी स्ट्रिंग टेढ़ी होती है उसमें हमेशा टेंशन के क्या बनते हैं, कॉम्पोनेंट्स। तो एक कॉम्पोनेंट बनेगा टी कॉस 30, एक बनेगा टी साइन 30, और वेट एम जी है और फोर्स एफ है। अब फोर्स एफ कहाँ से आई, ये चार्ज इस चार्ज को क्या कर रहा है, रिपेल। तो इनके बीच में डिस्टेंस मुझे क्वेश्चन में गिवन नहीं है, मुझे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पता है 1 मीटर, पर मुझे ये नहीं पता कि ये दूरी कितनी है r, और जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में मेरे को ये दूरी चाहिए 1/4πε0 q into q/r का स्क्वायर, ये मुझे चाहिए होगा। तो ये निकालने के लिए एक राइट एंगल ट्राइंगल लें, ये 1 मीटर है, ये 30 डिग्री है, साइन 30 इज एक्स अपॉन 1, तो आप सॉल्व करके क्या निकाल लेंगे यहाँ से, एक्स, एक्स को डबल कर देंगे, ये भी एक्स ये भी एक्स, तो क्या जाएगा आर। तो आर कैसे निकालना है समझ में आ रहा है, इस राइट एंगल ट्राइंगल से पहले एक्स निकलेगा, एक्स को डबल करेंगे तो आर आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक? तो आर आ गया। अब इक्विलिब्रियम है, ये टिके हुए हैं यहाँ पर जैसे भी हैं। इक्विलिब्रियम क्या होता है, एक बॉब पे नेट फोर्स इज जीरो, इट मीन्स ऊपर की फोर्स इज इक्वल टू नीचे की फोर्स और राइट की फोर्स इज इक्वल टू लेफ्ट की फोर्स। तो ऊपर की फोर्स टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, पर प्रॉब्लम ये है कि इस क्वेश्चन में मास तो गिवन ही नहीं है बॉब का, और हमने क्या निकाल लिया, टेंशन टी। कोई बात नहीं, एक और इक्वेशन आती है हमें, एफ इज इक्वल टू टी साइन 30। तो अगर मैं एफ इज इक्वल टू टी साइन 30 यूज करूं और एफ में क्या पुट करूं, 1/4πε0 q into q/r2। अब मेरे को इस क्वेश्चन में क्यू गिवन है, मेरे को इस क्वेश्चन में आर मैंने निकाल लिया एक्स की हेल्प से, सॉल्व करके क्या आ जाएगी, टेंशन टी आ जाएगी। मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे कॉम्पोनेंट्स बनाने हैं टेंशन के और कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है यहां तक? क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट, 6 में आपको इसमें चार चार्जेस गिवन है, आपको क्यू 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 नेट फोर्स निकालनी है क्यू पे कितनी है, सिंपल। तो ऐसा क्वेश्चन हमने किया था शीट में, ये क्यू इस क्यू को रिपेल करेगा 1/4πε0 q q/a2, ये क्यू इस क्यू को रिपेल करेगा 1/4πε0 q q/a2, ये क्यू इस क्यू को रिपेल करेगा q q/√2a2, क्योंकि डायगोनल रूट टू ए होता है। नेट फोर्स क्या बनेगी, इन दोनों, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, इनका वेक्टर सम क्या होगा, अंडर रूट ऑफ f1² + f2² प्लस वो जो डायरेक्शन आएगी f3 के साथ होगी, तो अंडर रूट ऑफ f1² + f2² + f3। तो नेट फोर्स होगी अंडर रूट ऑफ f1² + f2² + f3। अब क्वेश्चन में मैंने आपको f1, f2, f3 तीनों निकालना सिखा दिया है, आप यहाँ पर वैल्यूज पुट करना और सॉल्व करना, ऑप्शन मार्क करना। देखो कैलकुलेशन और मैथ्स तो प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, इसमें तो कोई कुछ कर नहीं पाएगा, तो आपको ये पुट करना पड़ेगा, पुट करके इसमें से जो स्क्वायर वाली टर्म है वो बाहर निकालनी पड़ेगी अंडर रूट से, और फिर इसमें से कॉमन निकाल के एलसीएम लेके आंसर आएगा। और मेथड क्लियर है कि कैसे करना है इसमें। ठीक है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, देखो 7th क्वेश्चन इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम है। 7th के अंदर चार चार्जेस हैं, -q 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 और -q, ये चारों कॉर्नर्स पे पड़े हुए हैं। इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, अब उसने ये नहीं कहा
स्मॉल क्यू इज इन इक्विलिब्रियम, उसने कहा सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अब सिस्टम इक्विलिब्रियम में क्या होता है, सिस्टम में सारे चार्जेस होते हैं, ये भी इक्विलिब्रियम, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। तो कह रहा है कि स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या होगी, तो सबसे पहले स्मॉल क्यू इक्विलिब्रियम में है कि नहीं चेक कर लें। स्मॉल क्यू को माइनस क्यू अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट, ये भी क्या करेगा, अट्रैक्ट, दोनों फोर्सेस कैंसल, अट्रैक्ट अट्रैक्ट कैंसल, तो नेट फोर्स स्मॉल क्यू पे जीरो आ गई। पर इससे फायदा नहीं हुआ क्योंकि स्मॉल क्यू की वैल्यू नहीं आई मेरे पास, तो कोई बात नहीं, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो मैं क्या करूँगा, मैं अब यहाँ पे इसको इक्विलिब्रियम बनाता हूँ। यहाँ पे इक्विलिब्रियम के लिए माइनस क्यू पे फोर्स लगाएगा 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू बाई ए स्क्वायर, माइनस क्यू को रिपेल करेगा, माइनस क्यू को रिपेल करेगा और ये प्लस क्यू माइनस क्यू को अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्ट करेगा तो हाफ द डायगनल क्या होता है, ए बाई रूट टू। अब ये दोनों का वेक्टर सम क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और वो जाके किस में ऐड होगा, एफ डैश, तो नेट वेक्टर आ जाएगा। वो कौन किसके साथ इक्वेट होगा, एफ डबल डैश, ताकि नेट वेक्टर आपस में कैंसिल हो जाए और इक्विलिब्रियम आ जाए। तो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एफ डैश, ये रहा, ये किसको बैलेंस करेगा, एफ डबल डैश। क्वेश्चन में आपको एफ पता है, एफ डैश पता है, एफ डबल डैश पता है, बस यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है, फिर सॉल्व करके स्मॉल क्यू की वैल्यू को निकाल देना है। बट मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे करना है, ठीक। तो इक्विलिब्रियम क्या चीज़ है, जब नेट फोर्स क्या होती है, जीरो, वो इक्विलिब्रियम है, ठीक। प्रैक्टिस है और कुछ भी नहीं है, वेक्टर की प्रैक्टिस है, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस है, ठीक। यहाँ तक नेक्स्ट क्वेश्चन 8 हमने कर लिया था ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 9, कितने लोगों का ये हो गया था, 9th हो गया था। देखो 9th क्वेश्चन के अंदर हीलियम से भरा हुआ बैलून है, जो हीलियम है, आप वो उड़ने वाले बैलून लेते हो गुब्बारे, ये उड़ते क्यों हैं हवा में, क्योंकि हीलियम हल्की होती है। हाँ तो फिर क्या हो गया, अगर हल्की होगी तो फिर क्या हुआ, उड़ना स्टार्ट कर देगी, उड़ती क्यों है, फोर्स कौन सी लग रही है, बैलून उड़ क्यों रहा है हीलियम का, हल्का है ठीक है, पर उड़ाने के लिए फोर्स तो चाहिए, वो फोर्स कौन सी है, एयर का अपथ्रस्ट। अगर आप एक प्लास्टिक की बॉल को पानी में डाल दो, प्लास्टिक की बॉल की डेंसिटी कम होती है, पानी की ज्यादा होती है, डेंस होती है, आप मतलब प्लास्टिक की बॉल हल्की होती है, पानी उठा के ऊपर फेंकता है, अपथ्रस्ट। सेम सिचुएशन है एयर में, अगर हीलियम का बैलून है, हीलियम का बैलून हल्का है, एयर क्या लगाएगी, अपथ्रस्ट, उड़ता जाएगा उड़ता जाएगा उड़ता जाएगा उड़ता जाएगा, एयर कम होनी स्टार्ट हो जाएगी ऊपर जाके, अपथ्रस्ट कम हो जाएगा, बैलून उड़ना बंद कर देगा, एक हाइट पे जाके रुक जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो इस क्वेश्चन के अंदर दो बैलून्स हैं, एक और दो, और एक मास है, जैसे ये मास है, और स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग टाइट है तो टेंशन TNT होगी स्ट्रिंग में। ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, हवा में टिका हुआ है, ये इक्विलिब्रियम में हवा में टिका हुआ है। हवा में क्यों टिका है भाई, अदरवाइज तो वेट इसको नीचे गिर देगा, हवा में इसलिए टिका है क्योंकि क्या लग रहा है, एयर का अपथ्रस्ट। तो एयर का अपथ्रस्ट ऊपर लग रहा है U&U, और दोनों बैलून्स पे लग रहा है तो U&U, और वेट कहाँ है, नीचे, थीटा एंड थीटा गिवन है, थीटा थीटा ऑल्टरनेट, थीटा थीटा ऑल्टरनेट। तो टेंशन के यहाँ पर दो कॉम्पोनेंट्स होंगे, एक टी कॉस थीटा, एक टी साइन थीटा, क्योंकि दोनों के ऊपर चार्जेस हैं Q&Q, और जो कि मुझे Q की वैल्यू निकालनी है इसमें, तो Q&Q आपस में क्या करेंगे, रिपेल। तो ये इसके ऊपर क्या लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। क्लियर यहाँ तक। अब क्योंकि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो अपवर्ड फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस। तो अपवर्ड की फोर्सेस क्या नजर आ रही हैं आपको, U&U 2U, और डाउनवर्ड की फोर्स नेट क्या नजर आ रही है, सिर्फ वेट MG, क्योंकि टेंशन तो पेयर में, वो तो आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो ऊपर की फोर्स है 2U और नीचे की फोर्स है MG, तो पहली इक्वेशन 2U = MG। फिर मैं क्या करूंगा, फ्री बॉडी डायग्राम लूंगा एक बैलून का, जो क्या कहेगा, U = T cos θ एंड T sin θ = FE। तो T cos θ = U, तो यहां से U ऊपर पुट करके इक्वेशन आ गई, और एक और इक्वेशन बनाने को कहा मैंने T sin θ = FE।
तो एक इक्वेशन टी साइन थीटा की, एक इक्वेशन टू टी कॉस थीटा की, ठीक। तो दो इक्वेशन बन गई। बस आपको क्या निकालना है, कैपिटल क्यू, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगी इनमें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू बाई आर का स्क्वायर, एफ की वैल्यू भी पता लग गई। तो ये दो इक्वेशंस को अगर आप डिवाइड कर लें 4 को 3 के साथ, तो टी साइन थीटा बाई 2 टी कॉस थीटा, तो कुछ ऐसा बनेगा, टी साइन थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ 2 आएगा 2 टी कॉस थीटा, यहाँ भी 2 आएगा, हर जगह 2 चलेगा, यहाँ पे 2 टी कॉस थीटा। फोर्स की वैल्यू पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, बस यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या निकालना है, कैपिटल क्यू, ऑप्शन मार्क कर लेगा, बाकी कैलकुलेशन है। मेन चीज़ है वो इक्वेशंस कैसे बनेंगी, मेन चीज़ है कि क्वेश्चन में आपके साथ लिखा नहीं, पर हीलियम के बैलून जितने भी हैं जो हवा में उड़ते हैं या रुके होते हैं, उसमें अपथ्रस्त तो पक्का लगता ही लगता है, और कोई तरीका ही नहीं है उड़ाने का और टिकाने का, ठीक। तो मतलब ये अंदर से आएगी फिजिक्स, अपथ्रस्त लगेगा, ये बताएगा नहीं कोई कि अपथ्रस्त लगेगा, ठीक। ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। सर यहाँ पे 2u = mg + 2t cos θ नहीं होना चाहिए था कैसे बोलो सर, जो आपने इक्वेशन बनाई है 2u = mg, तो वहाँ पे +2t cos θ नहीं होना चाहिए था जो फोर ऐसा है, टेंशन के कंपोनेंट्स है ना, अगर मैं कंपोनेंट्स ना ड्रॉ करूँ तो एक्चुअल फोर्स तो टेंशन है ना, टी तो पेयर में होती है तो कैंसिल हो रही है ना, यस, तो इसलिए वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। फ्री बॉडी डायग्राम अगर एक बैलून का बनाते हैं फिर तो ठीक है, पर अगर ओवरऑल बनाते हैं तो टेंशन पेयर में कैंसिल होएगी, तो नेट फोर्स 2u और mg ही चलेगी बस। ओके सर। कितने लोगों के 10th क्वेश्चन हो गया, हो गया क्या, तो डाउट है। देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको दो स्ट्रिंग्स गिवन है, θ1 θ2, और लेंथ क्या गिवन है, L1 और L2, मास m1 m2, चार्ज q1 q2। आपको क्या करना है, वो कह रहा है कि मैं ये चाहता हूँ कि आमने सामने पड़े हों और ये हॉरिजॉन्टल लेवल पे पड़े हैं, θ1 θ2 के इक्वल हो जाए, θ1 θ2 के इक्वल हो, तो कौन सी कंडीशन इक्वल करूँ, मास बराबर करूँ, चार्ज बराबर करूँ, लेंथ बराबर करूँ, ताकि एंगल बराबर हो जाए। तो स्ट्रिंग इसमें भी टेढ़ी है, टेढ़ी स्ट्रिंग में टेंशन होगी, टेंशन के फिर से कॉम्पोनेंट होंगे t cos θ t sin θ, वही सेम रूल। ये चार्ज इसे क्या करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन कहाँ लगाएगा, टुवर्ड्स लेफ्ट। तो इक्वेशन क्या बनेगी, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, सेम वही रूल है, सेम पेंडुलम वाले जो केसेस हैं, अर्जुन क्लियर है, ठीक है। तो टी कॉस थीटा वन किसके इक्वल है, एम वन जी, और टी साइन थीटा वन किसके इक्वल होगा, एफ ई। अगर मैंने डिवाइड कर लूँ तो टेन थीटा क्या होगा, एफ ई बाई एम जी, ठीक है, एफ ई बाई एम जी। अब एफ ई तो दोनों बैलून्स के लिए सेम है, मास सेम नहीं है, जी सेम है, तो अगर मास भी बराबर कर दूं तो थीटा भी बराबर हो जाएगा, तो थीटा वन इज इक्वल टू थीटा टू तब होगा जब एम वन इज इक्वल टू एम टू, आंसर एम वन एम टू बराबर है, ठीक है। तो मैथमेटिकली इसको प्रूव किया जा सकता है। 11th क्वेश्चन में डाउट, 11th क्वेश्चन में ये ना पेंडुलम वाली सेम ही प्रॉब्लम है एक तरीके की, दिखाता हूँ एक सेकेंड, पेंडुलम वाली सेम प्रॉब्लम कैसी है। ये ना दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस हैं, और आर डिस्टेंस है इसका हेमीस्फेयर का, ये हेमीस्फेयर पे पड़े हुए हैं, और फ्रिक्शनलेस है, बीड्स हैं। आपको इस क्वेश्चन में के का मतलब गिवन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इक्विलिब्रियम में गिवन है, ये नीचे नहीं आ रहे ऊपर नहीं जा रहे, तो आपको ये निकालना है इसमें चार्ज ऑन ईच बीड क्यू की वैल्यू क्या होगी। रूल वही है, इसका वेट एम जी। अब इसमें धागा तो है नहीं कि स्ट्रिंग हो जाएगी, टेंशन हो जाएगी, इसमें क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि एक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर ये बॉडी पड़ी हुई है, तो नॉर्मल रिएक्शन एन जो कहाँ पास करेगा, सेंटर से, सेंटर पे एन है, तो टेंशन की जगह यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन है। ऐसे क्वेश्चन सर्कुलर मोशन में किया करते थे हम, कि या तो पेंडुलम कॉनिकल पेंडुलम होता था या हेमिस्फीयर की वॉल होती थी, तो नॉर्मल रिएक्शन एन। तो ये 60 डिग्री है क्योंकि आर 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 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये 60 डिग्री है, तो नॉर्मल रिएक्शन के कॉम्पोनेंट्स हैं n cos 60 n sin 60, और ये इसे क्या कर रहा है, रिपेल। तो n sin 60 इज इक्वल टू mg,
और एन कॉस 60 इज इक्वल टू एफ सी, तो सेम इक्वेशन एन साइन 60 इज इक्वल टू एम जी और एन कॉस 60 इज इक्वल टू एफ सी। एफ सी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर। बस इस एन को उठा के नीचे पुट करो, पुट करके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को पुट करेंगे, के पुट करेंगे, आंसर आएगा। तो बेसिकली तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, कब टेंशन लेनी है, कब नॉर्मल रिएक्शन लेना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इंक्लाइन इस टाइप का हेमिस्फीयर जब भी आएगा वो नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट्स बनेंगे, राइट। तो नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट्स बनेंगे, फिर इक्वेशन बनेगी, इन इक्वेशन को सॉल्व करके क्यू की या जो भी वैल्यू निकालनी आंसर आएगा। ठीक, समझ में आ रहा है यहाँ तक?
हाँ जी, तो ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक, नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को कितने लोगों ने कर लिया? कर लिया, डाउट है? देखो लॉजिक देखो, इसमें आपके पास वो कह रहे हैं तीन चार्जेस हैं, क्यू क्यू और क्यू, साइड ए है। हाउ मैनी मिनिमम चार्जेस शुड बी प्लेस्ड ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस ए? तो कह रहा है कि मैं यहाँ पर क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज है और ये क्यू चार्ज है, मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँगा इनको टच करता हुआ ऐसे, मैं इस सर्कल के ऊपर कितने चार्ज रखूँ क्यू क्यू, ताकि नेट फोर्स ए के ऊपर इतनी हो जाए 1/4πε0Q²a² अलॉन्ग एक्स एक्स, डायरेक्शन ये रहे, मैं कितने चार्जेस रखूँ, ये क्वेश्चन है। ठीक, तो सबसे पहले प्रॉब्लम ये है कि क्यू 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 चार्ज है, मेरे को नेट फोर्स यहाँ शो करनी है, ये चार्ज इस चार्ज को क्या कर रहा है, रिपेल, तो मुझे एक चार्ज यहाँ रखना पड़ेगा ताकि वो भी यहाँ फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट लगाए, ताकि दोनों फोर्सेस आपस में क्या हो जाए, कैंसल, ताकि डायरेक्शन का चक्कर ही ना पड़े, तो ये डायरेक्शन तो मुझे चाहिए ही नहीं है, तो एक चार्ज मैंने ये रख दिया। अब नेक्स्ट देखो, एक चार्ज यहां पड़ा था जो कि फोर्स यहां लगा रहे, ये चार्ज ऑपोजिट फोर्स लगाएगा ताकि मैं चाहता हूं कैंसिल हो जाए, क्योंकि मेरे को फोर्स यहां चाहिए, तो मैंने इसको भी कैंसिल कर, तो मैंने अब तक कितने चार्ज रख दिए, तो अब एक चार्ज मैं रखूंगा यहां पे ताकि q q को रिपेल करे अलोंग x एक्सिस 1/4πε0 q q by a का स्क्वायर, आंसर आ जाएगा। तो कुल मिला के कितने चार्जेस हुए, तीन। पॉइंट क्लियर है कैसे सोचते हैं? तो तीन चार्जेस आपको रखने पड़ेंगे ताकि नेट फोर्स टुवर्ड x एक्सिस हो जाए। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक, कितने लोगों से ये क्वेश्चन हुआ? 13th हो गया। ठीक है, देखो इसमें देखने में ही है, ये अंदर से इतना नहीं है, देखने में तो तेरे कितने एंगल बना के बैठ गया वो। तो क्वेश्चन है कि आपके पास चार चार्जेस हैं, एक दो तीन और चार, ठीक है, और साइड ये ए है। द फोर्सेस ऑफ रिपल्शन एक्सपीरियंस बाय चार्ज ओ ओ ड्यू टू चार्जेस एट बी एंड डी अलोंग सी ओ आर इक्वल। वो कह रहा है कि डी ने ओ को फोर्स लगाई, बी ने ओ को फोर्स लगाई, वो जो भी फोर्स लगाई उसका जो भी कंपोनेंट होगा, जैसे कि ये डी ने ओ को फोर्स लगाई, इस क्यू ने क्यू को फोर्स लगाई, और ये है सी ओ सी ओ, तो इस फोर्स का कंपोनेंट अलोंग सी ओ, इस फोर्स का कंपोनेंट अलोंग सी ओ सेम है, और अगर ये सेम है तो एंगल बताओ इसमें से क्या करेक्ट है। एक काम करते हैं, आगे चलने से पहले ना जरा इस डायग्राम को थोड़ा बेटर कर लें, ध्यान से देखो। इधर ये एंगल थीटा वन है, ये थीटा टू है, और पूरे का पूरा थीटा थ्री है, राइट। ये बी ने ओ को रिपेल किया एफ बी ओ, डी ने ओ को रिपेल किया एफ डी ओ, तो बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल अगर ये थीटा थ्री है, ये थीटा टू है, तो ये क्या होएगा, थीटा थ्री माइनस थीटा टू है। उसी तरीके से अगर ये थीटा टू है, ये थीटा वन है, तो ये क्या होगा, थीटा टू माइनस थीटा वन है, राइट। क्लियर यहां तक? अब इस फोर्स का कंपोनेंट सी ओ के अलोंग कितना बना, एफ बी ओ कॉस ऑफ थीटा थ्री माइनस थीटा टू, और डी ओ के अलोंग क्या होगा, एफ डी ओ कॉस ऑफ थीटा टू माइनस थीटा वन। तो दो कॉम्पोनेंट्स आ गए यहां पर, ठीक है यहां तक। अब वो कह रहे हैं ये जो कॉम्पोनेंट्स है सी ओ के अलोंग, वो दोनों इक्वल है, तो ये और ये दोनों इक्वल है, फोर्स की वैल्यू यहां से और यहां से एकदम बराबर है, ये कैंसिल हो जाएंगी, कॉस ऑफ एंगल बराबर हो गए, तो अंदर के एंगल भी बराबर हो गए, इक्वल कर दिया, ऑप्शन मार्क कर लेना आंसर।